संयुक्त अरब अमीरात की कोर्ट ने 57 बांग्लादेशियों को शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर जेल भेज दिया है। इनमें से 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है, जबकि 53 लोगों को 10 साल की और 1 को 11 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सजा पूरी होने के बाद इन लोगों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दरअसल ये प्रदर्शनकारी यूएई में रहकर बांग्लादेश में आरक्षण का विरोध कर रहे थे। इनके वकील ने कहा कि प्रवासी बांग्लादेशियों का मकसद देश में शांति भंग करना नहीं था। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रदर्शनकारी जल्द ही एक बड़ा मार्च निकालने की प्लानिंग भी कर रहे थे। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सजा की आलोचना की है। वही यूएई में दूसरे देशों के खिलाफ प्रदर्शन करना गैरकानूनी है। यूएई के अमीर के मुताबिक इससे दूसरे देशों के साथ रिश्ते खराब होने का खतरा बनता है। दरअसल यूएई में 90% विदेशी रहते हैं और इनमें से 1/3 बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ 12 जुलाई से हिंसा जारी है। इसमें अब तक 163 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 19 जुलाई से देश में कर्फ्यू लगा रखा है। वही देश की सड़कों पर हिंसा काबू करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है।